जय हो गणेश जी महाराज की। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में शिव पार्वती और गणेश जी को देखना कैसा होता है। सपने में गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी तीनों को आप एक साथ देखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। स्वपन शास्त्र के अनुसार ये सपना प्यार मिलने का संकेत देता है। अगर आपके माता पिता या आपके बच्चे आपके साथ बुरा व्यवहार करते, आपको प्यार नहीं करते हैं, आपको आदर सत्कार नहीं करते हैं, उस दौरान आपको इस प्रकार का सपना आ जाता है जिसमें आपको तीनों दिखाई देते हैं, तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। आपके परिजन आपका आदर करने के साथ साथ आपको प्यार भी करने लग जाएंगे। अगर सपने में शिव पार्वती जी गणेश जी के लाड लड़ाते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपको उन लोगों का प्यार मिलेगा जिन लोगों के प्यार के लिए आप तरस रहे हैं। तो मित्रों सपने में तीनों देवताओं को एक साथ देखना प्यार बढ़ने का संकेत देता है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप शिवजी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ अपने माता पिता का नाम जरूर लिखें ताकि आपके माता पिता पर उनकी दया दृष्टि बनी रहे। अगर आप सच्चे मन से शिवजी को पूजते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी क्योंकि शिवजी को भोले बाबा कहा गया है। अब बात करते हैं सपने में गणेश जी को चूहे पर सवार देखना कैसा होता है। गणेश जी का चूहा मूषकराज कोई साधारण चूहा नहीं है। कई लोगों के दिमाग में आता है कि चूहा तो बहुत ही छोटा होता है, फिर गणेश जी इस चूहे पर कैसे बैठ सकते हैं, ये तो चूहे के साथ अत्याचार है। तो बता दूं दोस्तों गणेश जी का चूहा एक गंधर्व था, उसका नाम क्रोच है। मुनि वामदेव की शरारत के कारण गंधर्व एक चूहा बन गया है। ये चूहा बहुत बड़ा था। दोस्तों आप गणेश जी को अपने सपने में साक्षात देखते हैं, आप देखते हैं कि गणेश जी मूषक राज की सवारी कर रहे हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत देता है। जबकि मूषक राज को गणेश जी पास खड़े देखना अशुभ माना जाता है, ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने वाले हैं जिसके चलते हुए आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सफलता आपके साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उस मेहनत का दोगुना या तीन गुना फल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस सपने से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सपना बेहतर भविष्य निर्माण होने का संकेत देता है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।